अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। अभी मैं एक बहुत ज़रूरी जगह पर जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि जाने से पहले आपके सवालों के जवाब दे दूँ और वो ख़बरें आपको बता दूँ जो आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कुछ शोबिज़ की न्यूज़ के हवाले से मुझसे पूछा था, तो उसके बारे में मैं बताती चलूँ कि राबिया बट जो एक्ट्रेस हैं उनकी पुरेसरार बीमारी के बारे में लोग जानना चाहते थे और जानना चाहते थे कि उनको ऐसी क्या बीमारी हो गई है और उन्होंने काम करना क्यों रोक दिया है। लोगों ने मुझसे पूछा था कि अभिषेक बच्चन जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं उनकी अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले सर्जरी हुई है और उनका जो हाथ है उसकी हड्डी टूट गई थी और उसके हवाले से लोगों ने मुझसे तफसीलात पूछी हैं। फिर उसके बाद मौलाना तारिक जमील के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव सी खबर मेरे पास है, वो लोगों ने पूछा नहीं, वो मैं खुद बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ मैं बताने वाली हूँ कि मोमिना मुस्तहसन जो हैं, आपको पता है कि बड़ी ज़बरदस्त सिंगर हैं, लेकिन अब उन्होंने एक नया सरप्राइज़ देने का की ठान ली है और सरप्राइज़ के बारे में जब से अखबारात में छपा है बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि वो सरप्राइज़ आखिर क्या है। और जुनैरा वो आप हमें पहले बता दें, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। पहली खबर मौलाना तारिक जमील के हवाले से है। बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन हुई, क्योंकि अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर मैं कहीं जाती हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि आपको पता है आपकी शक्ल हमारे फ़लाँ रिश्तेदार से मिलती है, फ़लाँ कज़न से मिलती है, तो मुझे बड़ी क्यूरोसिटी होती है कि मैं देखूँ कि वो शख्स कौन है जिसको ये मेरे साथ रिजेंबल कर रहे हैं। और अगर सामने वाला शख्स हूबहू मेरे जैसा हो तो सोचे कितनी एक्साइटमेंट होती है। ऐसा ही मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हुआ, जब वो खड़े थे और उनसे मिलने के लिए एक शख्स आया और वो पूरा एक जत्था था, पूरा एक ग्रुप था, और उसमें जो सामने वाला शख्स था वो बिल्कुल हूबहू मौलाना तारिक जमील की कॉपी था। और मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ, लेकिन पहले ज़रा सुन लीजिए कि वहाँ पर जो दूसरे लोग थे जिन्होंने मौलाना तारिक जमील को जब देखा तो वो हैरान हो गए और वो इस बात पे परेशान भी हुए और हंसने भी लगे कि हम तो इस शख्स को मौलाना तारिक जमील समझकर प्रोटोकॉल देते रहे हैं। और फिर उस शख्स ने अपनी यादें कुछ ताज़ा कीं और उसने मौलाना तारिक जमील को बताया कि मैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जब जाता हूँ तो लोग मुझसे पैसे नहीं लेते, बल्कि एक जगह तो बड़ा फ़नी सीन हुआ कि मैं गया और मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए चाय लेकर आएँ, तो उन्होंने कहा चाय नहीं, हम तो मौलाना साहब आपको पराठा भी खिलाएंगे, जिस पर मौलाना साहब ने एक ज़ोरदार कहकहा मारा और उसके बाद दोनों बड़ा हंसे। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी मुशाबत है कि दोनों की दाढ़ी, ड्रेसिंग, टोपी, कपड़े सब कुछ एक जैसा है। तो जनाब ये बड़ा ही एक मज़े का सीन हुआ, ये खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और साथ ही साथ दूसरी खबर जो शोबिज़ की नगरी से है, शुरू कर लेते हैं जी राबिया बट से। राबिया बट के हवाले से मैं बताती चलूँ कि उन्होंने एक पोस्ट तो लगा दी थी और उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनको एक पुरेसरार बीमारी हो गई है, लेकिन अब उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया है। उन्होंने बताया है कि दिन रात लगातार शूट्स करने की वजह से, नींद पूरी ना करने की वजह से वो बेहोश भी हो गई थी, बीमार भी हो गई थी और शूट्स को टाइम भी नहीं दे सकी थी। लेकिन अब फाइनली डॉक्टर्स ने उनको रेकमेंड कर दिया है कि आप रेस्ट करें। और बात फिर वही आ जाती है, इसको मैं कंक्लूड इस तरह से करूँगी कि हम लोग सारी ज़िंदगी काम करते रहते हैं ऐशो आराम पाने के लिए, सुकून पाने के लिए। जब सुकून का वक्त होता है तो लोग बीमार हो जाते हैं और अपना वही पैसा अपने सुकून के लिए खर्च कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंसान को एतदाल में रहकर काम करना चाहिए और उतना ही काम करना चाहिए जिससे कि वो अपने शेड्यूल को मैनेज कर सकें। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो जनाब अगली खबर है अभिषेक बच्चन के हवाले से। अभिषेक बच्चन के बारे में इस वक्त आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि उनका एक्सीडेंट हुआ था या उनका क्या हुआ था, वो मैं आपको बताती चलूँ कि वो दरअसल चेन्नई के अंदर एक फ़िल्म शूट कर रहे हैं और शूट के दौरान उनको एक स्टंट करना था और स्टंट के दौरान वो शदीद किस्म के ज़ख्मी हुए और उनके हाथ पे लगी चोट। और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जब उनको चोट लगी थी तो फौरी तौर पे अभिषेक बच्चन को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था और ये भी खबरें थी कि उनका पूरा ख़ानदान जो है वो वहाँ पर मौजूद था। लेकिन अब फाइनली अभिषेक बच्चन के हाथ की सर्जरी हो चुकी है। ये उन लोगों के लिए खबर है जो ये कहते हैं कि बस ये टीवी पे काम करना बड़ा आसान काम है जनाब, एवं स्टंट मार दिया होगा, कोई स्टंट मैन होगा, उसने खुद नहीं किया होगा, कैमरे का कमाल होगा। ऐसा नहीं होता है, कैमरे का कमाल बहुत कम होता है, अगर होता भी है तो आप समझ लें कि 75% तो फिर भी आर्टिस्ट को परफॉर्म करना पड़ता है और उसी वजह से उनको इस कदर शदीद फ्रैक्चर हुआ है। इससे पहले भी माजी में बहुत सारे एक्टर्स जो हैं आपने देखा होगा कुछ तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अभी पिछले दिनों की बात है कि हमारे जो पाकिस्तानी वेटरन एक्टर थे उन्होंने ये चीज़ रिवील की थी कि किस तरह वो पानी में डूब गए थे और डूबते डूबते वो बेहोश हो चुके थे, उनके फेफड़ों में पानी भर चुका था और उसके बाद उनको बाहर निकाला गया था, जिसमें उन्होंने एक दूसरे एक्टर का भी जिक्र किया था। तो जनाब बहरहाल अच्छी बात यह है कि अभिषेक बच्चन आप ठीक हैं। अभिषेक बच्चन ट्विटर पर आए, फौरी तौर पर उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि मर्द को दर्द नहीं होता। इस पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, तो ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने इसलिए लिखा था
क्योंकि वो उन्हीं के वालिद यानी के अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग था। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जी मोमना मुस्तहसन के हवाले से। उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और क्यूट पिक्चर्स हैं, और उस पर उन्होंने लिखा कि मैं एक सरप्राइज़ देने के लिए तैयार हूँ। और लोगों ने मुझसे पूछा कि जुनैरा आपकी चिड़िया जहाँ से भी उड़ के आती है बस हमें खबर दें कि कौन सा सरप्राइज़ है, क्योंकि जब कोई किसी को इस तरह कह देता है ना मैं आपको सरप्राइज़ देने वाला हूँ, या जब कोई किसी को ये कहता है कि आज मैंने आपसे एक बात करनी है और बता नहीं रहा होता, तो एक ना अजीब सी उलझन होना शुरू होती है कि यार बात तो बताओ, क्लियर तो करो। तो बात कुछ भी नहीं है जनाब, सरप्राइज़ ये है कि मोमना मुस्तहसन को एक ड्रामा सीरियल ऑफ़र हुआ है और अब वो एक्टिंग की तरफ आ रही हैं, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल भी ठीक बात इसलिए नहीं है क्योंकि सिंगर्स जो होते हैं वो एक्टर्स के मुकाबले में कई हज़ार गुना ज़्यादा पैसे कमाते हैं, क्योंकि वो कॉन्सर्ट करते हैं 3 घंटे के अंदर अंदर वो फ्री हो जाते हैं। किसी भी कॉन्सर्ट में उन्होंने टोटल 45 मिनट परफॉर्म करना होता है, और एक दिन में जो सिंगर्स होते हैं वो 4-4 शोज़ भी करते हैं और उनको लाखों लाखों रुपये मिलते हैं, जबकि एक्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ पर डे पे काम करते हैं या पर पैकेज पे काम करते हैं और पूरा पूरा दिन वो काम करते हैं, 12-12, 14-14 घंटे उनको गुजर जाते हैं और उसके बाद जाके कहीं उनको उनका मुआवजा मिलता है, वो भी डेली बेसिस पे नहीं है, पूरे प्रोजेक्ट के बाद। तो मेरा ख्याल है कि अगर शौक की हद तक वो कर रही हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर प्रोफेशन के लिए वो कर रही हैं तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक बात नहीं है, लेकिन उनकी अपनी चॉइस है, ये मेरा एनालिसिस था। और जनाब ये हो गई खबरें शोबिज़ की नगरी से, और भी बहुत सारी हैं लेकिन एक ही वीडियो में सारी कर लूँगी तो फिर आप कहेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। चारों खबरों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरी जो सोशल मीडिया फैमिली है, लीनियर मीडिया फैमिली है, इसके अंदर जनाबे आली बहुत सारे लोग वो हैं जो टीन्स में हैं, यानी कि 17 से 18 के बीच में हैं या बहुत यंग हैं, वो लोग चाहते हैं कि शोबिज़ की न्यूज़ मैं लगातार उन लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो ये थी वो तमाम सवाल के जवाब जो आप लोगों ने पूछे थे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अब आपकी बारी है, आइए कॉमेंट सेक्शन में जो मज़ीद आप चाहते हैं जिस टॉपिक पर कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोग ज़रूर आएँ मुझसे पूछें, मैं उस पर रिसर्च करके आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद। अभी यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर इनसे मुसाफा करके चले गए। होटल में हमने रुके, हमने कहा चाय पी लें, होटल वाले का ये हम तो तुम्हारे लिए पराठा भी था।